नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटीवी न्यूज, हर कदम खबर की ओर। मैं हूं रिद्धि आपके साथ। आज 12 नवंबर है और वक्त हो चुका है दिन भर की फटाफट खबरों का। कांग्रेस नेता विधायक के बेटे ने खुद पर गोली चलाकर कर ली आत्महत्या। मध्य प्रदेश के जबलपुर की है यह घटना, जहां कांग्रेस विधायक संजय यादव के 17 वर्षीय बेटे वैभव ने अपने पिता के रिवॉल्वर से खुद पर गोली चलाकर आत्महत्या कर ली। घटना स्थल पर बरामद सुसाइड नोट में वैभव ने लिखा, मेरा दोस्त ऊपर चला गया है, मैं भी उसी के पास जा रहा हूँ। मेरे मम्मी पापा अच्छे हैं कहते हुए किसी को अपने आत्महत्या का जिम्मेदार नहीं ठहरा कर वैभव ने अपने माथे पर गोली चलाकर आत्महत्या करने की है जानकारी। अकोला के रामदास पेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले वन विभाग कार्यालय के पास एक 50 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से मची खलबली। मृतक का नाम आसिफ पठान है, जो पेशे से रिक्शा चालक होकर शहर के भागवाड़ी का निवासी था। आसिफ पठान की आपसी विवाद के चलते किसी व्यक्ति द्वारा पत्थर से कुचलकर हत्या किए जाने का अनुमान है, जिसकी जांच करते हुए पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश जारी है। चंद्रपुर शहर में कई दिनों से दुपहिया चोरी होने के मामलों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए तेजी के साथ जांच पड़ताल शुरू की गई, जिसके बाद पुलिस को किसी एक व्यक्ति द्वारा मोपेड वाहन बेचने की गुप्त जानकारी मिलने पर उस व्यक्ति से पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद सच सामने आया, जिसमें उस व्यक्ति ने अपने सहकारियों के साथ मिलकर 11 वाहन चोरी करने की कबूली दी। आरोपी के पास से कुल 11 दुपहिया वाहन जब्त किए गए हैं, जिसकी अंदाजन कीमत 6,30,000 होने की है जानकारी। दुर्गापुर वेकोली खदान के जंगल परिसर में जलाऊ लकड़ियां जमा करने गए दो लोगों पर तेंदुए ने किया हमला। वच्छला थोरा तथा अनिल मंजेवार ऐसा जख्मियों का नाम है, जिन्हें उपचार के लिए जिला सामान्य रुग्णालय में दाखिल किया गया, किंतु उपचार के दौरान अनिल मंजेवार की दुखद मृत्यु होने की है जानकारी। राजूरा रामपुर कौठाला मार्ग पर वरोड़ा गांव के समीप रास्ते पर पड़े बड़े गड्ढे के चलते गई एक महिला की जान। अलका भास्कर गोखले, उम्र 45, ऐसा मृतक महिला का नाम है, जो अपने रिश्तेदार के साथ साकरी में अपने बहन के घर जा रही थी, किंतु रास्ते पर पड़े बड़े गड्ढे से दुपहिया गुजरते ही यह महिला दुपहिया से उछल कर रास्ते पर गिरी और उसी दौरान पीछे से आ रही ट्रक की चपेट में आने से इस महिला की दुखद मृत्यु हो गई। ठाकरे बिल्डर्स, चंद्रपुर के नामांकित बिल्डर्स आपको 2 और 3 बेडरूम फ्लैट तथा डुप्लेक्स रो हाउस प्रदान करते हैं। ठाकरे वाड़ी में ये ए विंग है, ये बी विंग है, ये सी, डी और ई विंग है, ये क्लब हाउस है और ये 3 BHK डुप्लेक्स हाउसेस है। भव्य प्रवेश द्वार 24 घंटे सुरक्षा कर्मियों से तैनात रहता है। ये क्लब के आगे आलिशान लॉन में आपको शाम के समय व्यतीत करने में काफी मजा आएगा। क्लब के चारों ओर जॉगिंग ट्रैक है। ठाकरे बाड़ी में जो एक क्लब हाउस है, उसमें आउटडोर की गेम्स के अलावा इंडोर गेम। ठाकरे बाड़ी में पार्किंग की काफी जगह मुहैया कराई गई है। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी खास डिजाइन किया हुआ है। आइए और ठाकरे परिवार में शामिल हो जाइए। कृपया बुकिंग के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तेलंगाना के रामगुंडम में संपन्न हुए दूसरे राष्ट्रीय फेडरेशन चेस्टो बॉल स्पर्धा में महाराष्ट्र की महिला संघ ने उत्तम प्रदर्शन के साथ तीसरा क्रमांक हासिल करने की है जानकारी। इस महिला संघ में अमरावती के नारायणा विद्यालय की खुशी उपरे नामक महिला खिलाड़ी ने उत्तम प्रदर्शन किया, जिससे खुशी की हर तरफ प्रशंसा की जा रही है। गढ़चिरौली जिले के 34 एसटी कर्मचारियों को किया गया निलंबित, तो बिना आश्वासन के साथ मांगे नहीं मानने तक अपना हड़ताल पीछे नहीं लेने की मंशा में है एसटी कर्मचारी। जानकारी है कि अब तक कुल 48 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। बाप बेटी के रिश्ते को कलंकित करने वाली घटना में पिता को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा। 2018 में इस नराधम पिता ने अपनी बेटी के मतिमंद होने का फायदा उठाते हुए कई महीनों तक किया अत्याचार, जिसके बाद बेटी गर्भवती होने के पश्चात इस घटना का खुलासा होने पर पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। तो वही अब जानकारी है कि 11 नवंबर को न्यायालय ने आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
लक्कड़कोट चेक पोस्ट से कपास ले जा रही चौपहिया वाहन पुल पर से नाले में गिरने की है खबर। सौभाग्यवश जीवित हानि नहीं हुई, किंतु वाहन ओवरलोड होने से वाहन पर नियंत्रण छूटकर यह हादसा होने की परिसर में की जा रही है चर्चा। तो ये थी आपकी पसंदीदा खबरें फटाफट, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए सिटी वी न्यूज, हर कदम खबर की ओर। अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।